ਕਾਲੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਮਾਨ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਖਾ ਲੈ ਆਹੋ ਇਹ ਹੀ ਮਕਈ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल नथने जे हल्का हल्का रेशा मफाद भी आ रहे है। सांस भी तेज है पैर से खड़ी हो जी ये सब रात का वकूफा होया या कब परसों का होया कल सुबह का चार बजे तक लाई अच्छा अच्छा कोई टीके टूके डोज डाज नहीं लाई अज हो सुबह ही पता लगा है डोला शोला खादा कि ठीक सजी पैरों से भार ही नहीं पैंदा लड़ गया ना उ गल आई वंडा सवेरे हो हर शाही खत्म हुई भी एक रात विच वे लो कल मिस्टाला लगा पाया स्टाला गई ना खांदी जी मैं ख्याल चला राती में चोई है तो दो दिन अभी बड़ी भी काट डॉक्टर साहब मेरे लिए कान में वकवा बनया थी तो पहले तो इंजेक्शन लाया तो क्या क्या जरा ठहर के बोतल लावांगे तो कमजोर है काफी कोई साइड इफेक्ट ना ड्रग बोतल तक बन जाए नहीं ट्रिप लानी पैनी वो गांव की कंडीशन और साफ थी होनी हां जी वो ज्यादा ओवर सी तो ये गल की कि ना टीके ला ली अपना काम कर मेरे हिसाब ਨਾਲ ਨਾ ਮਲਸਾ ਬੰਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਬਾੜੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚੁੱਕ ਠਾਈ ਹੈ ਜਾਣ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਜਦੀ ਕਦੀ ਆਉਣ ਸਾਜੋ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ इस लिए करके जरा ना बगैर टाइम देने तो फौरी तौर पर एन एस का सोल्यूशन देना पैना है डॉक्टर साहब है ना भरा माड़ा तेरा ध्यान जिंदगी शफार कंडीशन गांव की सीरियस है हाँ जी क्यों अज साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੋਜ਼ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਖਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਵਨ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 105 ਚਾਰ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 6 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ उठाओ गर्मी बहुत ज्यादा थी अज मौसम दा सर्दी दा मौसम है तो इसलिए करके ड्रिप तो बगैर इन पानी घटदा जाएगा टीके खाली लावांगे ते समझ लो कि गां दी कंडीशन जिहड़ी ने ज्यादा सीरियस हो जाएगा भाई कड़े लगे बोतल खाली इधर लिया तीसरा फ्लूड है भाजी अच्छा मेलफोन सी 150 ml इन्वेस्टर 150 ml एंडरसन 150 ml दो सौ चलो बाकी पूरी डोज करो ना
तेरी काम है डोज पूरी करूँ। मैदा चला देता जिगर मैदा है ना। अच्छा जी ग्लूकोज लैवल इनका बहुत ज़्यादा हाई तौर पर बढ़ गया, इन कहने हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज लैवल इनका तां चढ़ गया जिंदी वजह तो करके गां जी ना ग्लूकोज ज़्यादा तेज होने ना। इस तरह तुम मिसाल ले लो एक बंदे की शुगर बढ़ गई ना, शुगर बढ़ जाए तो कई कई बंदे ऐसे होंगे जो कंट्रोल च नहीं पैंदे है, अल्लाह माफी दे उन्होंने खतरा जान का खतरा बन जाता है। वो चीज़ है मैं इसलिए करके दसा जी अगर फर्ज करो इतने का इलाज थोड़ी जी डायरेक्शन चेंज हो जाए ना तो गलत एक मिनट हो जाए। इनकी डायरेक्शन असी बड़ी बेहतर तरीके स्टैंड की, जिस तरह के पहले सपोर्टिंग थेरापी दी हूँ उस हिसाब न फिर सपोर्टिंग थेरापी दी, पी एच लैवल बेहतर कर रहे हैं। उन्हें पी एच लैवल जो बढ़ गए तो चारा वगैरह शुरू कर दिया। पी एच लैवल एक दो पॉइंट तक चला गया। ये होंगे जी नॉर्मल जोड़ा होंगे ना तकरीबन छे तो सत्त तक, पाँच तक, पाँच तो छे तक, छे सत्त तक भी नॉर्मल होंगे जानवर जो तकरीबन सैट रहा है। जो एक तो चाह माशाल अंदर बैठे से उठ गया जी। भाई गां सीधी करके खिलारो तेरा पिछो फड़ लो, पिछो चुक दो तेरा चमल साहब पिछलियां लत्तों माड़ा ही वंगा ना पा लीए, पैर ना बाहर नु खिलर दे ने। आवाज नहीं कोई पया थले इथे ला ली नहीं, पिछे लवंगा ना ढिला करके पा देने ना ताकि गां अंदर चली जावे, बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है। आ मल साहब जरा पिछला पैर है ना फिर खुलिया है, अगर इन माड़ा जे पैर पट्टा सुन लगे पैर स्लिप हो जाना। लीले वंगा छड़ दे, वंगा पा ली ओ वंगा रे तो पया ही अरे ते बोल लगे बस। लो भाई मोटा लग ना लो पैर थोड़े अगे करो ना इतने बस बाबा ठीक 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 चलो बिलकुल सही हो गया। फड़ यार गंढ हथ रख गांड मोड़िए जरा सैड दे ठंडा बड़ा चौड़ा है। चलो घुमाओ, चलो मोड़ो हो सर जी थोड़ी थोड़ी जरा हाथ भी रखना है पीछे। अजय अगर तू ही आसरा खिंच के रखना, चलो आसरा हो जाता है।
आप पढ़ जाओ सर चले तो ही सर जी तो आप दूसरा मसला हो गया तूड़ी कोई पई जा तोती वाले तोती को फाड़ लिया बाजू बड़ा फायदा होया जी गांव भुखे भी बैठे जी मतलब डंडा इधर कर लो कट दो डंडा कट दो डंडा कट दो डंडे ने डिगे ही गा कट दो भाई डंडे दे रौला कोनी चल अज की रात वंगा पा दी कि नवे उठन लगे अपने कोशिश।